वेलकम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैं KT4 TV और मैं हूँ आपका होस्ट रमीज़ अहमद। जैसा कि आपके सामने टेबल सजा हुआ है और इसके ऊपर हमने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जी, आज की रेसिपी जो हम तैयार कर रहे हैं चिकन ब्लैक पेपर विद एग फ्राइड राइस। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी रेसिपी। और जी तो व्यूवर्स, हमने ये कढ़ाई में तेल ले लिया और अब हम इसके अंदर इसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। और ये हमने इसके अंदर अपना चिकन को डाला है व्यूवर्स, हमने इसको फ्राई करना है और तकरीबन ब्राउन कलर होने तक हम इसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही फ्राई होने के साथ खुशबू अच्छी और क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हुई है इसकी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। व्यूवर्स हमने इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इंशाल्लाह जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इंशाल्लाह इसको निकालेंगे। व्यूवर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कलर हल्का हल्का चेंज होने शुरू हो गया है और जैसे ही ब्राउन कलर होगा तो इंशाल्लाह हम इसको निकाल के अलहदा कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स इसका कलर चेंज हो गया और ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया। अब हम इसको निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स हम इसको निकाल कर अलहदा कर लेंगे और हम अपना अगला प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त कलर आया। जी तो व्यूवर्स, हमने 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल और 1 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, कलर चेंज करेंगे और इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें चिकन अपना ऐड कर दिया और हमने चिकन को इसमें थोड़ा सा पकाना है कि चिकन के अंदर भी अदरक और लहसुन की थोड़ी स्मेल आ जाए, क्योंकि अदरक और लहसुन की स्मेल आपको पता है इतनी मज़ेदार होती है कि जब तक ये खाने के अंदर आएगी नहीं तो खाने का वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो अब हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है। जी तो व्यूवर्स, इसको हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे और ये सोते कर रहे हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सोया सॉस हमने इसमें 50 ml डाली है, रेड चिली सॉस हमने इसमें 30 ml और विनीगर हमने इसमें 10 ml यूज़ किया है और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो व्यूवर्स, जो भी हमारे चैनल पे आज नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है इसको भी ऑन कर दीजिए। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली आइंदा तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी तो व्यूवर्स, अब इसमें वेजिटेबल ऐड करने का टाइम है और अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत कलर की वेजिटेबल्स ऐड की हैं इसमें और हम इसको अब थोड़ा सा कुक करेंगे, हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे और साथ ही में हम इसके अंदर थोड़ा सा चाइना सॉल्ट ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप इसके चाइना सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर स्टॉक जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। माशाल्लाह जी, ये हमने ऐड कर लिया और इसमें बॉईल आ गया। तो व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, इसमें आप कॉर्नफ्लोर ऐड करने का टाइम है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही 1 कप तैयार करके रखा हुआ है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ना ही हमने इसको ज़्यादा थिक करना है ना ही ज़्यादा थिन रखनी है। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, हमारी रेसिपी कोशिश यही होती है ऐसी होनी चाहिए जो छोटे और बड़े दोनों के लिए एक जैसी एक बराबर होनी चाहिए, छोटे और बड़े इसको पसंद करते हों। और माशाल्लाह जी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आने लग गई है और माशाल्लाह कलर और खुशबू की तो क्या ही बात है, ब्यूटीफुल कलर के साथ और वेजिटेबल्स की क्या ही बात है। जी तो व्यूवर्स, तकरीबन ये पक कर तैयार है और अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, ये देखिए जी हमने इसको बाउल में निकाल लिया और सर्व के लिए तैयार है ये। अब छोटे और बड़ों के लिए बेहतरीन चीज़।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी तो व्यूवर्स चलते हैं हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। और अब हम फ्राइड राइस तैयार करेंगे। एक कप हम इसमें ऑयल लिया और एक कप ऑयल लेने के बाद अब हम इसमें एक अंडा तोड़ेंगे और अंडा तोड़ डालेंगे इसमें और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो व्यूवर्स जैसे कि एग फ्राइड राइस है इसमें हम थोड़ी वेजिटेबल ऐड करेंगे। अंडा डालने के बाद अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर वाली तमाम वेजिटेबल्स हमने इसमें भी ऐड की हैं और हम इनको थोड़ा सोते कर लेंगे हम। तो व्यूअर्स सोते करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अपना स्पाइस का टच देंगे। ब्लैक पेपर हमने 1 टीस्पून ऐड किया और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। जी व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। 500 ग्राम राइस हमने लिए हुए हैं जो हमने पहले से ही बॉईल किए हुए थे और आधे हमने अभी डाले और आधे हम थोड़ा रुक कर डालेंगे। जी व्यूअर्स जैसे कि हम इनको पका लिया और ये अब हम इसमें बाकी के भी राइस ऐड कर लेंगे। बहुत ही प्यार से बहुत ही नरम हाथ से हम इनको मिक्स करेंगे। जी तो व्यूवर्स इसको हम थोड़ा सा ब्यूटीफुल कलर देने के लिए हम इसमें जर्दे रंग का इस्तेमाल करेंगे। और व्यूवर्स जैसे कि ये तैयार हैं और अब हम इनको बाउल में निकाल कर अपनी प्लेट को तैयार करने के लिए अब हम इनको बाउल में डालेंगे। जी व्यूवर्स तो ये हम अपना बाउल तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और चिकन की जो मैरिनेशन है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ख़ुद भी घर पर बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जैसा कि हमने ये बाउल चावलों से भर लिया है और अब हम इसको प्लेट पर अलहदा से निकालेंगे। जी तो व्यूवर्स आज की हमारी इस रेसिपी के बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये चावलों का प्याला जैसा कि हमने बाउल हमने तैयार कर लिया है और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। जी तो व्यूवर्स जैसे कि हमने इसको प्लेट में निकाल लिया और हम अपना बाउल उठाएंगे। ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी व्यूवर्स ये थी आज की हमारी रेसिपी छोटे बड़ों की पसंद चिकन ब्लैक पेपर विद एग फ्राइड राइस। बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। ख़ुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। आप देख रहे थे Mac84 TV। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।